हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलरफुल साबूदाना के पापड़ रेसिपी, जो बने एकदम आसान तरीके से, झटपट और बहुत ही क्रिस्पी। तो चलिए झटपट साबूदाना के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोती साबूदाने, यानी कि जो एकदम छोटे छोटे वाले दाने होते हैं, ये दाना मैंने लिया है आधा किलो, और पूरे रात भर के लिए मैंने 1 लीटर पानी में भिगो के रख दिया था। साबूदाना के भिगोए हुए पानी मैंने फेंक लिया है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जितना नमक। नमक स्वाद अनुसार है, अच्छे से अब मिला देंगे, जिससे ना साबूदाना के पापड़ एकदम फीके से नहीं लगेंगे। अब क्योंकि हम कलरफुल पापड़ बनाने वाले हैं ना, तो मैं अलग अलग कटोरी में ले रही हूँ। इस तरीके से कलरफुल पापड़ आप घर पे ही बनाइए, होली हो या फिर दिवाली हो, घर पे बने हुए पापड़ बहुत ही सबको पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़े से वाइट वाला भी बचा लिया है, क्योंकि मैं वाइट वाला भी कुछ बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है येलो फूड कलर, बस 2 पिंच जितना डालेंगे, इससे ही बहुत ही गहरा कलर आएंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स्ड कर लिया है। अब इस बर्तन में डाल दे रही हूँ मैं ऑरेंज रेड फूड कलर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास फूड कलर पाउडर फॉर्म में है, आपके पास लिक्विड है तो आप वो भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं लास्ट वाला में डाल दे रही हूँ ग्रीन कलर। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही ग्रीन कलर डालने से ना एकदम गहरा ग्रीन कलर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप अगर ऑर्गेनिक कलर यूज़ करना चाहते हो, नेचुरल कलर, तो आप यहाँ पे चुकंदर का रस, बीटरूट का रस डालेंगे तो उससे भी बहुत ही प्यारा कलर आएगा। अब सारे कलर मिक्स्ड हो चुके हैं, तो 3 कलर ये रहा हमारा, और एक तो वाइट कलर का है ही नेचुरल साबूदाने का। तो यहाँ पे मैंने स्टील का एक प्लेट लिया है, 1 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो एक कॉटन से भी आप इस तरीके से लगा लेना है पूरे थाली में, क्योंकि ये साबूदाना थोड़े से ना चिपचिपे होते हैं, तो इसके थाली में चिपक सकते हैं, तो तेल लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। बिना कोई झंझट से फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस तरीके से करा, या फिर आप कंगन ले सकते हो। तो थोड़े से जो इस तरीके से मोटे मोटे हो, इस यही लेंगे, और बड़े साइज जितना होंगे तो थोड़े से बड़े पापड़ बनेंगे। तो इस तरीके से ना मैंने पूरे प्लेट में सजा लिया है। इन कंगन को हम यूज़ करने से पहले हम इसमें लगा लिए थे सैनिटाइज़र, तो इससे सेफ़ रहते हैं, खाने में कोई भी बैक्टीरिया नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक कलर का साबूदाना डालते जाएंगे इस तरीके से। तो बहुत ही मोटे लेयर नहीं, बस नॉर्मल 1 चम्मच के 2 चम्मच परफेक्ट है एकदम। तो इसमें हम वाइट कलर का डाल दे रहे हैं। अब इस तरीके से मैंने ऑरेंज कलर, पीले कलर, हरे कलर और सारे कलर को मैं सिंपली पहले बैच में ना इस तरीके से प्लेन एक कलर में ही रख दे रही हूँ इस तरीके से। तो पूरे कंगन के अंदर साबूदाना मैंने अच्छे से फिनिशिंग कर दिया है। अब बारी है इन कंगन को निकालने की। यहाँ पे कोई झंझट वाली बात नहीं है, इस तरीके से पकड़ेंगे और करे को निकाल लेंगे। देखिए, मैंने बहुत ही आराम से निकाल लिया है और फिनिशिंग एकदम अच्छे से मेंटेन है। तो एक एक करके इस तरीके से हम सारे करे को निकाल ले रहे हैं। तो होली में इस तरीके से रंग बिरंगे पापड़ बनाने में बहुत ही मज़ा आते हैं, और सारे पापड़ में से ये पापड़ बनाना बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हम बना चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास जितना पानी डाला है, गरम करने के लिए बिठा चुकी थी। अब इस तरीके से प्लेट को हम इस तरीके से बिठा देंगे, और ऊपर से एक दूसरे ढक्कन से ढक देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट तक फुल फ्लेम में रख देंगे हम, तो फिर निकाल के देखेंगे। अगर 3 से 4 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल टाइम देख के 3 मिनट हो चुके हैं। मैं अभी थाली को निकाल के देख रही हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि हो गए हैं या नहीं। ये देखिए, पापड़ अगर चिपचिपे होंगे ना, आप उंगली से देखेंगे, बाइंडिंग हो जाते हैं ना, तो मतलब हो चुके हैं। अगर आपको भी साबूदाना के पापड़ निकालने में प्रॉब्लम होते हैं, चिपक जाते, तो ये देखिए, तो कोई भी स्पैचुला आप लेंगे ना, थोड़े से धार वाले पैचुला होना चाहिए, जिससे कि एकदम आसानी से निकल जाए। तो इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पॉलीथीन मैंने पहले से रेडी रखा है, अब एक एक करके निकालेंगे
और इस तरीके से पॉलीथीन में डालते जाएंगे। तो अगर आपको लगे कि पापड़ स्पैचुला में चिपक जा रहे हैं, यानी कि पलटा में चिपक चुके हैं, तो उसके बाद ना आप पलटा को फिर से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि साबूदाना के जो नीचे पार्ट है वो थोड़े से चिपचिपे हो चुके हैं। तो फिर से आप स्पैचुला को क्लीन कर लेंगे तो इसमें कोई भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आपको लगे कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है इस तरीके से प्लेट में से निकालने की, तो आप थोड़े से रिफाइंड ऑयल लगा सकते हो। तो सारे पापड़ मैंने निकाल लिया है, उसी प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर से लगा लिया है। तो एक प्लेट ना फ्रेंड्स हम दो बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो और एक प्लेट भी ले सकते हो, जिसे आप पहले से रेडी करके रखेंगे ना, तो ये वाले साबूदाना के पापड़ जब तक छुड़ाएंगे तो दूसरा तैयार होने लगेंगे। तो मैंने इसी प्लेट को लिया है, तो हम दो बार यूज़ करने के बाद फिर से ना प्लेट को धुल के फिर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा प्लेट ज़रूर से यूज़ करिए। तो इस बार ना पापड़ को थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर में डिज़ाइन में करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना क्रिएटिविटी काम आते हैं, जैसे बच्चे लोग बहुत से कलरफुल मिक्स्ड करते हैं, तो इस तरीके से हम कुछ भी कलर मिक्स्ड करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। देखिए इस तरीके से वाइट के ऊपर कोई भी कलर डालने से आप जहाँ देख ही रहे हो एकदम खिल के आते हैं, उभर के आते हैं। तो दो कलर तीन कलर हम मिक्स्ड करके ना इस तरीके से कलरफुल तैयार कर रहे हैं। तो जैसे आपको पसंद है उस तरीके से कलर आप मिक्स्ड करिए और बनाइए फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से एक एक कलर की मैंने डिज़ाइन कर लिया है, तो अब इस कंगन को भी निकाल लेंगे। तो मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर से बिठा देंगे। तो इस पानी को तब तक मैंने ऑफ़ कर दिया था। अगर आप यहाँ पे चाहे ना फ्रेंड्स अंडे उबालना हो, आलू या फिर आप दाल भी बॉईल करने के लिए डाल सकते हो, और ऊपर से इस तरीके से पापड़ बनते जाएंगे, तो इससे गैस का भी बचत होते हैं। तो इस तरीके से फिर से प्लेट मैंने ढक दिया है और पूरा 3 मिनट अब हो चुके हैं। फिर से हम निकाल लेंगे इस तरीके से ढक्कन। साबूदाना के अंदर हल्के से पानी होने के कारण इन 3 मिनट में भाप के कारण से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और हमारे डिज़ाइन एकदम जुट जाते हैं एक साथ में। तो फिर से हम इस तरीके से निकाल लेंगे सारे पापड़ को। तो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ ताकि आपको निकालने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादातर साबूदाने के पापड़ ना इस तरीके से प्लेट से निकालते वक्त ही प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरीके से ना आप झटक से निकालेंगे तो कभी भी चिपकेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ना सारे पापड़ मैं बना ले रही हूँ। तो ये देखिए 10 मिनट के अंदर पूरा पापड़ इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। आधा किलो पापड़ बनाने के लिए बस 10 मिनट चाहिए। तो जितने बड़े बर्तन आप लेंगे उतने ही जल्दी बन के तैयार होते हैं। अभी इन पापड़ को हम 2 दिन तक एकदम कड़क धूप में रखेंगे, तो उसके बाद एकदम रेडी हो जाएंगे ये फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो बिना धूप में भी सुखा सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं पंखे के नीचे सूखने में। तो मैं आपको 2 दिन बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 दिन का अच्छे से धूप लग चुके हैं, और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पापड़ सूख के ना थोड़े से छोटे साइज भी हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स पापड़ सूख जाने के बाद एकदम डीप कलर आ चुके हैं इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स इस पापड़ को मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। उसके पहले मैं सारे पापड़ को प्लेट में ले ले रही हूँ। सारे तो मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़े से फ्राई करके अभी दिखा रही हूँ। तो अभी हम जितना पापड़ फ्राई करने वाले हैं वो सारे प्लेट में ले चुके हैं। तो चलिए गर्मा गर्म फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से गर्म करने के लिए बिठा दिया था। तो इस तेल में ना पहले भी मैंने पापड़ फ्राई किया था, तो पहले मैं एक पापड़ डाल चुकी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हुआ है, तो ये देखिए छोटे से पापड़ फूल के कितने बड़े साइज का हो चुके हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए। तो हम निकाल लेते हैं, ये वाले पापड़ फ्राई हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ पापड़ मैं आपको और फ्राई करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि घर पे कितने जल्दी कितने अच्छे से मार्केट जैसे पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो लेयर थोड़ा सा कम होंगे तो उसके पापड़ थोड़े से छोटे होंगे, तो इस तरीके से, लेकिन क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, तो अब मैं ढेर सारे एक साथ में ही डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए बन गया ना बहुत ही जल्दी बिना कोई झंझट के साबूदाना के पापड़, और क्रिस्पी इतना है मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, तो आपको आवाज़ सुन के ही पता चलेगा। तो है ना बहुत ही क्रिस्पी और क्रेडी फ्रेंड्स।
तो इस तरीके से आप भी घर पे ज़रूर साबूदाना के पापड़ बनाना, और आपको कैसा लगा है मुझे बताना कमेंट करके। फ्रेंड्स, आज के साबूदाना के पापड़ की रेसिपी अगर आपको पसंद आए हैं तो लव किचन चैनल को अभी तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज़ नया सर नया रेसिपीज लाती रहती हूँ आप सबके लिए। आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को ज़रूर से क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप रोज़ देख सके नया से नया रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी लेके। टाटा बाय बाय।